प्रोग्राम में एक भेरो बीहर भलीकार नादरीन कोरोना जहाँ केसिस वधण शुरू थी व्या ये ओमिक्रॉन जो एकड़ो सब वायरस है उनजो किस्म है जेके माहिर उन्हें चवण यो है तो ये तमाम घणो तेजी से पकड़जे तो असाजा माण्हू उनके केतरो सीरियस वठन था केतरो सीरियस वठन घुर्जे जेका इन वक्त सूरत हाल है वह कड़ी है सिंध हुकूमत एस ओ पीज के हवाले से नयू हिदायतू भी जारी कर छड़ियो इन ऑफिस में भी वो है तो मास्क जरूर वियर कन मानू पहरिन उनखा सवाय डिस्टेंस रखन सोशल डिस्टेंस तमाम जरूरी है बेल बेलाप घट रखन हथ मिलाने का पासो कन इन तरह जो एस ओ पीज जारी थियल असा कल वड़े वजीर मुराद अली शाह की सदारत में अहम इजलास थो जैमें इन सभी शयन जो जायजो वरतो वो पॉलिसी जोड़ी हुई उनमें पी एम ए जहा अगवान डॉक्टर कैसर सजाद साहब उहे भी मौजूद हा उन्हनि खां पाण पुछूं था त इन हवाले सां कहिड़ा फ़ैसिला थिया ऐं अवाम इनखे केतिरो संजीदा वठे केतिरो संजीदा मामिलो आहे या न आहे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कल एक अहम इजलास हुआ सैयद मुराद अली शाह साहब की सदारत में और करोना के हवाले से हुआ, करोना के केसेस जो है दिन ब दिन बढ़ रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि ये जो नई लहर है कोरोना की ये कितना सीरियस मामला है या आप ये समझते हैं कि या इतना सीरियस नहीं है क्योंकि ये तो सिलसिला ख़त्म ही हो गया था लेकिन दोबारा शुरू हुआ है तो उसको लोग जो है वो इतना सीरियस नहीं ले रहे, वो समझ रहे हैं कि ये बस ऐसी बातें हैं ये। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए सीरियस तो हम नहीं कहेंगे और ना ही ये जो आपका जुमला है कि कोरोना खत्म हो गया है, हो गया था, ये कोरोना पाकिस्तान से खत्म नहीं हुआ था। एक्चुअली नंबर ऑफ केसेस कम हो गए थे और खतरा ये हम जाहिर कर रहे थे शुरू से कि चूंकि कोरोना के केसेस मौजूद हैं और सब चीजें रिलैक्स हो गई हैं, हर चीज नॉर्मल पे आ गया है तो बाजार, शादी हॉल और जितने भी एक्टिविटीज थी सब नॉर्मल हो जाते हैं तो वो जो है उसकी वजह से चांसेस यही था कि ये दोबारा जो है इसके केसेस में इजाफा ना हो जाए। अब क्योंकि ये कोरोना जो ओमिक्रॉन है उसका सब वेरिएंट है, अब इसमें खासियत ये है कि ये बहुत तेजी से फैल जाता है, एक से दूसरे में बड़ा ट्रांसमिट होता है बहुत तेजी से जी। तो हमें इसके फैलाव को रोकने के इकदाम करने चाहिए और वो वही इकदाम है जो हम डे वन से कह रहे हैं एस ओ पी पे अमल दरामद करें। अब इस वक्त जो सूरत हाल है जो लोगों का रवैया अभी भी है वो यही है कि ना कोई मास्क लगाता है, लोग हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं और सारी चीजें हो रही हैं तो ये इन चीजों को मेरे ख्याल में हमें कंट्रोल करने की जरूरत है और अगर ये नहीं किया गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है और अगर जब ये प्रॉब्लम होगी तो यकीनन हमें तशवीश इस बात की है कि मवेशी मंडी लगी हुई है, वहाँ लोग जा रहे हैं, वहाँ से ये जो है वो बीमारी एक दूसरे को लगाएंगे, वहाँ एहतियात की जरूरत है। फिर 10 दिन के बाद जो है वो ईद है, ईद में नमाज के बाद, ईद की नमाज के बाद जो है लोग गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे जो फिर अगेन ये स्प्रेड हो सकता है। फिर उसके बाद कुर्बानी करेंगे लोग, कुर्बानी के बाद फिर फैल सकता है और उसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग गोश्त खाने की दावतों पे जाएंगे और बैठेंगे तो एक दूसरे से लगेगा। हाँ तो इसलिए जो है ये एक मतलब मैं समझता हूँ कि सीरियस हो सकता है, अभी कोई सीरियसनेस वाली बात नहीं है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो नमाज के हवाले, ईद की नमाज के हवाले से आप बता रहे हैं, उस हवाले से कोई एस ओ पी गवर्नमेंट ने तय की है या कोई हिदायत जारी की है? हमने जो है डिसाइड ये किया है कि मास्क को मैंडेटरी किया है और कुछ हम मेरी रिकमेंडेशंस थी जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को उसको मुराद अली शाह साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया और उसको वो जो डिपार्टमेंट है हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिंह का जिसको सरजील मेहमान साहब देखते हैं तो वो जो है वो उसको अवेयर कराएंगे लोगों को और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला लोगों से कहा जाएगा कि ईद की नमाज में आप नमाज पढ़कर वापस आ जाएं और लोगों से जिस तरह से हम कहते हैं ना कि एक दूसरे को दूर से हम उनको रिस्पेक्ट दे दें, उसको ईद मुबारक कह दें,
लेकिन हाथ नहीं मिलाए गले ना मिले, ये एक तरीकेकार है जिससे हम बच सकते हैं। वरना असल जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, लोगों को जो पेशेंट देख रहे हैं, वो हम ये देख रहे हैं कि इतनी तेजी से ये फैलता है, यानी कि अगर आप आज अगर अभी किसी से मिलते हैं कोविड के पेशेंट से, तो तकरीबन 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद दूसरे को जो है वो सिम्टम शुरू हो जाता है। और सिम्टम बिल्कुल फ्लू लाइक सिम्टम है, यानी नजला जुकाम है, गले की खराश पहले शुरू होती है, जिसमें ना खांसी होती है और ना कोई ऐसी चीज होती है कि जिसमें टूट रहा है। हाँ, आगे चल के जरूर 3-4 दिन बाद बुखार हो जा, 2 दिन बाद बुखार होता है, फिर उसके बाद खांसी भी हो सकती है हल्की फुल्की, लेकिन शुरू में जो है वो यही है कि गले में खराश और नजला जुकाम होता है। तो लोग यही समझते हैं कि जी वो रात को हमने कोई ठंडी चीज ले ली थी तो उसकी वजह से हो गया, और फिर वो जब उसके एहतियात नहीं करते हैं तो वो फिर बीमारी बढ़ सकती है। तो यहाँ तक ये सीरियसनेस है, और अगर एहतियात नहीं हुआ तो मुझे डर इस बात का है कि ईद के बाद खुदा ना खास्ता इसमें मजीद इजाफा हुआ तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि 2 साल में हमारी आवाम ने और लोगों ने सब समझ लिया है कि इस बीमारी से कैसे निपटना है, नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि तकरीबन अभी हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि सिंध के अंदर खासकर 100% लोग जो है वैक्सीनेटेड हुए हुए हैं और 80% लोग जो है वो बूस्टर लगाए हुए हैं। तो इसका बड़ा असर है, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया हुआ है उनको बहुत मामूली सा इफेक्ट होता है, बहुत मामूली सी अलामत होती है, सिम्टम होती है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है या बूस्टर डोज नहीं लगाया है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक इंफॉर्मेशन ये शेयर कीजिएगा कि जो बूस्टर है वो हर जगह पे अवेलेबल है, लोग अपने अपने शहरों में अपने अपने मॉलों में या मतलब जो अड़ोस पड़ोस की जो अस्पताल वगैरह हैं वहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ कैसे लोगों को थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपकी मीटिंग में भी हमने दरख्वास्त की है सरकार से कि ये जो सेंटर है हमारे वैक्सीनेशन के वो हाईलाइट किए जाए, लोगों को बताया जाए, और जो 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 टेस्ट है PCR जो हो रहा है, रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है, तो वो बताएं लोगों को कि वो कहाँ पे हो रहा है, ताकि ये पता चले लोगों को कि हमें जाना कहाँ पे है। लेकिन ये बात है कि तमाम ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, हुकूमत की तरफ से। अच्छी बात ये है कि वैक्सीन का बूस्टर डोज भी जो है अभी तक फ्री में लग रहा है, तो लोगों को इस सहूलत से फौरी तौर पे मेरे ख्याल में फायदा उठाना। और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में ये फैसला भी हुआ है कि घर घर जाकर टीमें जो है वो बूस्टर लगाएंगे या वैक्सीन। जी हाँ, बिल्कुल, जिससे कि ये आप जो है वो ये फैसला किया गया है कि जो जो लोग रह गए बूस्टर के, तो उनको डोर स्टेप पे ये फैसिलिटीज फ्राहम की जाए, और सेंटर्स के बारे में भी बताया जाए कि जो लोग आके वो सेंटर में जाके लगा सकते हैं वो सेंटर में जाके लगा लें, और हुकूमत अपनी तरफ से घर घर जाके इरादा रखती है कि ये बूस्टर डोज उनके घर पर जाके लगाया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सजाद साहब, आपने हमें वक्त दिया। तहां डॉक्टर कैसर सजाद जी गुफ्तगू बुधी, ही इंतहाई संजीदा मामलो है वो इन हवाले से, तो जैसे असा कोरोना के लाइट वरतो असा जे SOPs हुकूमत जारी क्यों उन्होंने अमल न कियोसी, मास्क न पहरियोसी, डिस्टेंस न रखियोसी, ईद ऐं कुर्बानी जे दौरान खास तौर ते असा इन्हनि सभिनी शयुनि खे मद्देनज़र न रखियो, असा जेके वैक्सीन जिन न कराई आहे उन्हनि वैक्सीन न कराई, जिन वैक्सीनेशन कराई आहे उन बूस्टर न लॻारायो, त ख़ुदा न ख़ास्ता नुक़सान थी सघे थो। प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तमु थिए पियो, ईंदड़ हफ़्ते वरी नवनि इशूज़ सां गॾु अव्हां जे साम्हूं हाज़िर थिबो, तेसि ताईं अलाह निकाबा।